अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आर इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं आरएच नेटवर्क की तरफ से, उसका चैनल का नाम है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग उनका चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छी है, वीडियो अंत तक देखिएगा। सऊदी अरेबिया में देखिए क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क हो गया है अभी पिछले 2-3 सालों में कि वहाँ पे सारे वो बुरे काम होने लगे हैं जो कि नहीं होते थे पहले कभी। अब सऊदी अरेबिया एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है तो जिसकी किसी ने सोचा भी ना, कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को ये जो लेडी नज़र आ रही हैं, इनका नाम है रूमी अल-क़हतानी और ये सऊदी अरबिया की काफ़ी मशहूर मॉडल हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही खबरों में छाई हुई हैं, क्यों? क्योंकि जाहिर है ये बहुत जल्द ही वो काम करने जा रही हैं कि जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। होना तो दूर की बात, बल्कि किसी इंसान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दौर में ऐसा भी हो सकता है। दरअसल ये दुनिया के मशहूर ब्यूटी कंपटीशन के, जिसको हम लोग मिस यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, उसके 2024 के सीजन में सऊदी अरबिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रही हैं और ऐसा करने वाली ये सऊदी अरबिया की पहली कैंडिडेट बनेंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया ने तो पहले कभी भी मिस यूनिवर्स वगैरह में हिस्सा लिया ही नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेना तो दूर, बल्कि शायद किसी इंसान ने आज से कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं था कि सऊदी अरबिया कभी ऐसा करेगा भी। उसके पीछे वजह यही है कि क्योंकि सऊदी अरबिया में ये जितने भी बदलाव आए हैं ये सब पिछले 2-3 साल के अंदर ही देखे गए हैं। सऊदी अरबिया की इस मशहूर मॉडल या फिर सऊदी अरबिया के इस बड़े फैसले के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करें, उससे पहले हम शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर ये मिस यूनिवर्स है क्या कि जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों ये एक ब्यूटी कंपटीशन है, यानी कि खूबसूरती का मुकाबला है जो हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके ऑर्गेनाइजर्स यानी कि इसको जो मैनेज करते हैं वो हैं अमेरिका और थाईलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मिस यूनिवर्स। हर साल ही इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से बहुत सारी मॉडल्स की तरफ से इसमें अप्लाई किया जाता है और फिर इसमें पार्टिसिपेट भी किया जाता है। मगर अगर कोई भी मॉडल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पर उस लड़की की उम्र 18 से 27 के बीच में ही होना चाहिए, यानी ना तो 18 से कम और ना ही 27 से ऊपर। इसके अलावा उस मॉडल ने ना तो कभी शादी की हो यानी कि वो कुंवारी हो, और ना ही कभी भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया हो। मुकाबला चलता है और आखिर में जजेस की तरफ से एक मॉडल को ही चुना जाता है और फिर उसको ही उस साल के मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया जाता है। भारत देश से भी अलग अलग वक्तों पर 3 मॉडल या फिर ये कहिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ये खिताब जीत चुकी हैं, जिसमें सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर संधू का नाम शामिल है। बात करें मिडिल ईस्ट की तो लेबनान और बहरीन जैसे सऊदी अरबिया के पड़ोसी देश ऑलरेडी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जबकि अब सऊदी अरबिया का नाम जुड़ ही जाएगा जब 2014 के सीजन में रूमी अल-क़हतानी सऊदी अरबिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। मगर दोस्तों यहां पर देखने वाली चीज ये भी होगी कि आने वाले इस सीजन में सऊदी अरबिया अपने फ्लैग यानी के झंडे को किस तरह से मैनेज करेगा, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने ऑलरेडी मिस यूनिवर्स या इस तरह के जितने भी और फंक्शन होते हैं, अब वो चाहे मिस वर्ल्ड हो, मिस अर्थ हो, उन सब में ये देखा ही होगा कि जब मॉडल पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, वॉक कर रही होती हैं, तो उनकी ड्रेसेस किस तरह की होती हैं, कभी कुछ शॉर्ट तो कभी स्विम सूट और कभी कभी बिकनी वगैरह। और जाहिर है इस तरह की ड्रेसेस के साथ जब ये सारी मॉडल वॉक कर रही होती हैं, इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, तो उनकी बॉडी पर अपने देश का झंडा या फिर वो पट्टी जरूर मौजूद होती है कि जिन पर उनके देश का झंडा बना हुआ होता है। अब वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ये जो सऊदी अरबिया का झंडा है ये सिर्फ एक देश या फिर एक किंगडम का ही झंडा नहीं है, बल्कि ये तो कम्प्लीटली एक रिलीजन यानी कि इस्लाम से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसके ऊपर कलमा वगैरह लिखा हुआ है जो सिर्फ एक रिलीजन का सिंबल नहीं बल्कि सिंबल से भी कहीं ज्यादा बढ़कर चीज है। तो अगर सऊदी के इस झंडे के साथ सऊदी अरबिया की ये मॉडल बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरीके से पार्टिसिपेट
करती हैं कि जैसे बाकी दुनिया की मॉडल्स को भी आमतौर पर देखा जाता है, तो फिर इस मुद्दे पर दुनिया भर के अंदर विवाद होगा ही होगा। बाकी शायद इस मैटर पर तो सऊदी अरबिया के वो सारे लोग भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बाकी सारे रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि ये मिस यूनिवर्स हमारी इस दुनिया में हमेशा से ही विवादों में रहा है। इसके ऊपर हमेशा से ही ये इल्जाम लगते आए हैं कि ये अपने बिजनेस की खातिर यानी कि पैसा बनाने की खातिर औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये औरतों को एक सामान की तरह यानी कि खिलौने की तरह दिखाता है। इस इल्जाम के पीछे वजह यही है कि क्योंकि मिस यूनिवर्स के जो जज होते हैं वो एक लड़की को, वो एक मॉडल को जिन जिन चीजों को देखकर चुनते हैं यानी कि विजेता बनाते हैं, उन सारी चीजों में से अगर पर्सनैलिटी इंटरव्यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी ही चीजें मॉडल के लुक या फिर खास तौर से उसकी बॉडी वगैरह से ही जुड़ी हुई होती हैं। और शायद यही वजह है कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली ज्यादातर मॉडल्स इसको जीतने की खातिर हद से ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद करती हैं या फिर उनको पहनना ही पड़ती है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने से तो ये वीडियो मैंने सुना, वाकई में सऊदी अरबिया तो सारी हदें पार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने शराब अलाउ कर दी मक्का मदीना मतलब हर जगह। बताइए कितना मुबारक मुकद्दस जगह, लोग वहाँ पे जाते हैं ज़ियारत के लिए, तवाफ़ के लिए, उम्रे के लिए, हज के लिए। और हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी वहीं है। और वो सलमान कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि बादशाह हैं, वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि ये लेडीज़ें तो जीतने के चक्कर में मतलब वाहियात कपड़े पहन कर अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, ये सब हम लोग जानते हैं और देखते भी हैं। और उनका तो बिजनेस है, खैर ये बात सही है कि वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो नाम होना चाहिए, बस सबका नाम हो जाए, पूरी दुनिया में नाम हो जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।